अब धीरे धीरे राजस्थान में ये सारी जो गंदगी है, 5 साल में बहुत ही गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, पूरी तरह से प्रयास रहेगा गंदगी हटेगी। मोदी जी तो 10 साल से झाड़ू लगा रहे हैं। आश्वासन मोदी जी 10 साल से झाड़ू लगा रहे हो, गंदगी साफ नहीं हुई क्या? झूली जी बैठिए, हो गया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूँगी कि पूर्ण रूप से हमारी सरकार, हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें भी जो टूरिज्म है उस पर बहुत अधिक हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे और निश्चित रूप से अलवर के पूरे जिले में जितने भी टूरिस्ट हमारे स्थान है, धार्मिक स्थल है और भी इसके अलावा जो भी ऐसे स्थल आप भी मुझे अगर इसकी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जाएगी और उस पे धरातल पे काम भी होगा। जी जी अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि ये जो बने थे पैनोरामास, ये भी हमारी सरकार जब थी राजस्थान में उसी समय बने थे पूर्ण रूप से। हाँ, इन 5 सालों में उन पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये आज उनकी हालत है, बहुत दुख की बात है। इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देके इनको और भी अच्छा बनाया जाएगा पूरी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी हो, उस पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन उठाया काफ़ी महत्वपूर्ण है अलवर के लिए, मैं एक ही बात जानना चाहूँगा, आपने जो राशि इसमें दी है इसमें कितनी राशि का व्यय हो गया, कितने के टेंडर हो गए, कितनी राशि बाकी है, अभी काम होना बाकी है, एक तो आप ये मुझे बता दें। दूसरा, क्या ये बात सही है कि आपके जो टूरिज्म के जो हमारे स्थल हैं ये शहर के अंदर हैं और वहाँ शहर में आज जितनी भारी गंदगी छाई हुई है लगातार पिछले 15 दिनों से सारे समाचार पत्रों में ये चीज़ छप रही है, तो क्या हम पर्यटन स्थलों को जो डेवलप कर रहे हैं और अखबारों के माध्यम से मौके पर भी जिस प्रकार से गंदगी वहाँ छाई हुई है तो बाहर से जो पर्यटक आएंगे तो उन पर क्या मैसेज आएगा? तो आप एक तरफ तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ सिटी के अंदर आपके टेंडर नहीं हो रहे हैं, तो उस विषय पे भी आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रश्न माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल जो आपने ये बात कही पूरा विवरण वैसे मैंने हमारे माननीय सदस्य तक पहुंचा दिया है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपको भी ये पूरा विवरण जो जो कार्य चल रहे हैं, कितनी राशि अभी तक हुई है इस पे और अब आगे क्या इसकी प्लानिंग है, सारा कुछ मेरे पास है, तो अगर आप चाहेंगे तो पूरी डिटेल्स, बहुत लंबी डिटेल्स हैं, अगर कोई आप बाद में दे दीजिए। जी, मैं बाद में आप तक पहुंचा दूंगी हमारा डिपार्टमेंट। और हाँ, गंदगी की जो बात है, बिल्कुल अब धीरे धीरे राजस्थान में ये सारी जो गंदगी है, 5 साल में बहुत ही गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, पूरी तरह से प्रयास रहेगा गंदगी हटेगी, हटनी भी चाहिए और जनता के साथ मिलकर करेंगे। श्री गणेश गोगरा, मोदी जी तो 10 साल से झाड़ू लगा रहे हैं। आश्वासन मोदी जी 10 साल से झाड़ू लगा रहे हो, गंदगी साफ नहीं हुई क्या? झूली जी बैठिए, हो गया। मोदी जी 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो अलवर उसमें नहीं है क्या? अरे, और उसमें आपका ही बोर्ड है, आपका सभापति, आपका विधायक है, आपका सांसद है, तो उसमें आप कुछ कह दीजिए।